गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे समास। तो आइए देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण करने का मतलब है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द को जोड़ लेते हैं और जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, ठीक। जैसे गंगा जल, गंगा जल बेटे पहला आपका है, गंगा आपका जल हो गया। तो गंगा जल में आपका पहला पद आपका पूर्व पद, ठीक है। पहला पद या पूर्व पद आपका गंगा हो गया, जल आपका क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, ठीक। पहला पद गंगा हो गया और उत्तर पद आपका जल हो गया। और जो है समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जैसे आपके पास एक पद है, उस पद को के अंगों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपका समास विग्रह कहलाता है। यानी समास को अलग करने का प्रक्रिया होती है। अब आते हैं समास के भेद। समास के भेद, अर्थ के आधार पर समास के छह भेद होते हैं। सभी लोग जानते हो कि आपके समास के छह भेद होते हैं। जैसे आपका अव्यवयी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और आपका कर्मधारय समास। अब मैं आपको सबसे पहले आज पढ़ाऊंगी बहुव्रीहि समास, ठीक है। जिस समास का कोई पद प्रधान ना नहीं होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पूर्व पद और ना उत्तर पद ना हो, बल्कि कोई अन्य प्रधान, अन्य पद प्रधान हो, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो हम उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बेटे मैंने आपको उदाहरण में आपको बताया है, समासिक पद जैसे बताया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अब लंबोदर में ना आपका पूर्व पद प्रधान है ना आपका उत्तर पद प्रधान है, लंबोदर में आपको कोई तीसरा पद प्रधान है वो आपका विग्रह बता रहा है कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी तीसरा पद प्रधान हो गया। नहीं, गणेश जी आपका तीसरा पद प्रधान हो गया। ऐसे ही आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नीलकंठ में आपका ना पूर्व पद प्रधान है ना आपका उत्तर प्रधान पद प्रधान है बल्कि तीसरा पद प्रधान है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, ठीक है। और अगर मैं और उदाहरण ऐसे आपको दूं, देखिए जैसे दशानन, दशानन दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है आनंद मतलब जिसका पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी। तो इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास आपका हो गया। बहुव्रीहि समास में आपका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको उदाहरण लिए है, इसको आप अन्य उदाहरण भी आपको दे सकते हो, जैसे चंद्रशेखर दे सकते हो या आप देख सकते हो चतुर्भुज का ही आपके उदाहरण है, आप इसमें बता सकते हो। तो समास विग्रह मैंने आपको अभी इसमें बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करके मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने अभी आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाया, अब मैं आपको दूसरा पढ़ा रही हूँ तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा
कारक चिन्ह परसर्ग का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समाज में बेटा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास रहता है। और तत्पुरुष समास की ये पहचान होती है कि जो कारक की विभक्तियां होती है, परसर्ग होते हैं, उन चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। अगर हम देखें वैसे कि तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास आपके छह प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले आप लोगों ने पढ़ा है ना, कारक की विभक्तियां पढ़ी है ना, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा है ना सबने, कारक की विभक्तियां, वही विभक्तियां तत्पुरुष समास में भी लगती हैं। आइए मैं आपको समास विग्रह करके बता रही हूँ। अब इधर आपके समासिक पद दिए हुए हैं, इधर मैंने विग्रह लिखा हुआ है। अब जैसे पहला है स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, ये समासिक पद है आपका स्वर्ग प्राप्त, और इसका विग्रह करने पर बना स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें विभक्ति है ना कर्म को, कर्म को विभक्ति है ना, तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब दूसरा है भयभीत, यानी कि भय से भीत, भय से डरा हुआ, तो यहाँ पर भय से भीत जैसे आ रहा ना, तो यहाँ पर आपका करण की, करण का विभक्ति चिन्ह से है ना, तो यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तीसरा है देश भक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, तो आप लोगों ने कारक में पढ़ा है ना, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक की के लिए होता है ना, तो यहाँ पर आ रहा है देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे भी देखिए मैंने आप लोग को प्रीवियस कक्षा में या प्रीवियस उसमें वीडियो में मैंने आपको कारक जब पढ़ाया तो से के बारे में मैंने आपको क्लियर करा है, इसमें पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट है ना, तो यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास हो रहा है, यानी कि पथ से भटका हुआ भ्रष्ट है जो, वो आपका अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अब आया घुड़दौड़, तो यहाँ पर है घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ का मतलब है घोड़ों की दौड़, तो घोड़ों की तीन समय संबंध में बताया ना, का की के होता है ना, तो संबंध में देखिए आपका की आया यानी घोड़ों की दौड़, तो यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे है ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, देखिए ग्रह में प्रवेश, तो यहाँ पर आपकी फिर कारक की विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर आपका में अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो इस प्रकार बेटे मैंने जो अभी आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया है, तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक के जो चिन्ह होते हैं परसर्ग होते हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक है, और वही आपका तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास आपके छह प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, वैसे तो आप अगर छोटे क्लास में पढ़ोगे तो सिर्फ आपको तत्पुरुष समास दिए, लेकिन अगर आप थोड़े से सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसके प्रकार भी आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, इसके आपको आपकी बुक में मिलेगा। अब आते हैं अगला समास कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास के दोनों पदों में, ठीक है, विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेषण का विशेष से और उपमेय का उपमान से संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में भी बेटा आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय समास में क्या है, देखिए आप लोगों ने विशेषण भी पढ़ा है, विशेष भी पढ़ा है, प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा है ना, तो जब विशेषण और विशेष का जहां पर संबंध हो या उपमेय या उपमान का जहां पर संबंध हो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर विग्रह करके बताया है, ये आपका समासिक पद है और ये विग्रह है। अब मैंने आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे नील कमल, इसका विग्रह करने पर हो रहा है नीला है जो
कमल, ठीक, नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा, कमल नयन कमल के समान नयन, ठीक, चरण कमल चरण रूपी कमल। यहाँ पर आपका देखिए विशेषण और विशेष और उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो गया है। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको कर्मधारय और तत्पुरुष समास आपको अभी हमने बताए हैं। अब मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया, कर्मधारय समास पढ़ाया, अब मैं आपको द्विज समास पढ़ाती हूँ। तो द्विज समास में देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विज समास कहलाता है, वहां द्विज समास कहलाता है। अब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ समासिक पद है और इधर विग्रह है। समासिक पद में देखिए इधर पहला है नवग्रह, नवग्रह यानी विग्रह इसका कर रहे हैं तो आ रहा है नौ ग्रहों का समूह। तो नौ देखिए आपका पहला पद संख्यावाची हो रहा है ना, नौ आपका निकल रहा है, तो ये आपका पहला पद क्या हो रहा है, संख्यावाची निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैंने कहा ना कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विज समास कहलाता है। तो उदाहरण में बता रही हूँ नवग्रह और नौ ग्रहों का समूह, विग्रह करने पे आ रहा है नौ ग्रहों का समूह, तो नौ यहाँ पर आपका पहला पद संख्यावाची हो रहा है। आप जैसे है चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, तो इसमें पहला पद देखिए चार आपका क्या निकल रहा है, संख्यावाची निकल रहा है, तो ये आपका हो गया द्विज समास। फिर है सप्तऋषि, इसका विग्रह करने पे हो रहा है सात ऋषियों का समूह, तो सात क्या हो रहा है आपका संख्यावाची हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया आपका द्विज समास हो गया। ऐसे ही आप लिख सकते हो चौमासा मतलब चार महीनों का समूह। तो जहां पर आपका पहला पद जो है संख्यावाची होगा वहां पर आपका द्विज समास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नंबर पांच देखते हैं द्वंद समास, ठीक है। देखिए द्वंद का मतलब होता है जोड़ा, द्वंद का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ द्वंद समास की परिभाषा में क्या है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो यानी कि पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, और उनके विग्रह में और विग्रह में और या आदि योजक चिन्ह आए तो वहां पर द्वंद समास हो जाता है, ठीक है। द्वंद समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है, और द्वंद समास का विग्रह करने पर और अथवा या आदि योजक शब्द लगते हैं वहां पर आपका द्वंद समास कहलाता है। जैसे समासिक पद मैंने दिया है इधर, इधर विग्रह दिया है माता पिता, माता पिता देखिए जोड़े के रूप में है ना, मैंने बताया ना कि द्वंद का मतलब होता है जोड़ा, तो माता पिता ये आपका जोड़े के रूप में है, तो इसका विग्रह कर रहे हैं माता और पिता, तो यही मैंने बताया ना कि और आता है, तो ये आपका हो गया और आ गया, तो यहाँ पर आपका द्वंद समास हो गया। जैसे कहते हैं राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा राधा और कृष्ण, यहाँ पर और आ रहा है तो और आपका क्या हो जाएगा द्वंद समास कर जाएगा। फिर है गुड़ दोष, गुड़ दोष तो इसमें आ रहा है गुण या दोष, मैंने बताया ना कि और या आदि योजक चिन्ह आए तो वहां पर आपका द्वंद समास होता है, तो यहाँ पर या आ रहा है तो यहाँ पर आपका द्वंद समास हो जाएगा। या ले सकते हो सुख दुख, सुख या दुख, लाभ हानि ना, तो लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन, जहां पर आपकी जोड़े के रूप में जो आए वहां पर आपका द्वंद समास हो जाएगा, और विग्रह करने पर और या योजक चिन्ह आते हैं तो वो आपके द्वंद समास कहलाते हैं। अब आपका छठा नंबर पे आ रहा है सिक्स नंबर पर अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसकी परिभाषा है कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, ठीक, पहला पद अव्यय हो तथा संपूर्ण समासिक पद भी अव्यय की भांति कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का जो पहला पद हो क्या हो अव्यय हो, और संपूर्ण समासिक पद भी अव्यय की भांति कार्य करे वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ, जैसे समासिक पद दिए हैं इधर विग्रह दिए हैं, तो अब मैं देखिए आजीवन, आजीवन
तो इसका पहला पद क्या है आपका, ये पहला पद आ जो है क्या है, अव्यय है, विग्रह करने पर आ रहा है जीवन भर। ठीक, दूसरा उदाहरण है यथाशक्ति, यानी विग्रह करने पर आ रहा है शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या हो गया पहले आपका, अव्यय हो गया, और शक्ति के लिए पूरा पद सामाजिक पद अव्यय की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर आपका अव्यय भाव समझ जाएगा। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। आप जैसे मैंने है आ जन्म, तो आ क्या है आपका, अव्यय हो गया, और ये जन्म आ जन्म पूरा संपूर्ण सामाजिक पद के लिए कार्य कर रहा है, अव्यय की बात कार्य कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पर आ जन्म क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समझ जाएगा। विग्रह करने पर आ रहा है जन्म भर, मतलब आ जन्म का विग्रह करने पर आ रहा है जन्म भर, तो यहाँ पर आपका समाधि बोल। जैसे आप लिख सकते हो भरपेट, भरपेट, पेट भर। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये अव्यय भाव समास जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको आज समास पढ़ा है। मैं समझती हूँ कि आप लोग को समास अच्छे से समझ में आया है। मैंने समास बताया, समास क्या होता है, समास की परिभाषा बताई, समास के प्रकार बताए। फिर प्रकार में भी आपको, जैसे कि मैंने पहला पढ़ाया आपको बहुव्रीय समाज पढ़ाया, ठीक है, कर्मधारय समाज पढ़ाया आपको, दीर्घ समाज पढ़ाया, दंड समाज पढ़ाया, वैभव समाज पढ़ाया, तत्पुरुष पढ़ाया। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि समाज के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, समझाया। मैं समझती हूँ कि आपको समाज अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।